पंजाब के अमृतसर स्थित गोल्डन टेंपल के पास 5 दिन में तीसरी बार ब्लास्ट हुआ है। ये ब्लास्ट स्वर्ण मंदिर के लंगर हॉल में रात करीब 12:10 पर हुआ है। धमाके की आवाज सुनते ही हड़कंप मच गया, तो वहीं पुलिस सूत्रों के अनुसार तलाशी के बाद लंगर हॉल के पास श्री गुरु रामदास सराय से एक कपल समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करांगे, फोरेंसिक टीम्स दी हेल्प लेके, दूजी एजेंसीज दी भी हेल्प असी ले रहे हैंगे, ते इना दी डिवाइसेज एग्जामिन करके असी एक पूरी इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करांगे कि इना दे किन लोगों नाल लिंक सीगे, इना दे एसोसिएट्स केड़े सीगे इंडिया एंड अब्रॉड, एंड वी विल अनवेल दी एंटायर कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड दिस इंसीडेंट। ते ए पहला ब्रेक थ्रू हैगा, 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। मैं सीपी साहब नूं कहा सीगा कि एक एसआईटी बना के एसआईटी इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। जानकारी के मुताबिक धमाका करने के बाद आरोपी सराय के बरामदे में जाकर सो गए थे। पुलिस के मुताबिक इनका मकसद सिर्फ शांति भंग करना था। इन्होंने धमाकों के लिए फटाकों का बारूद इस्तेमाल किया था। आपको बता दें कि सबसे पहले 6 मई शनिवार को पहला बम धमाका हुआ था। अमृतसर के हेरिटेज स्ट्रीट इलाके में हुए इस धमाके में 4 से 5 लोगों को चोट भी आई थी। इसके बाद 8 मई सोमवार को सुबह करीब 6:30 दूसरा बम धमाका हुआ था।